अपेंडिसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। जब हमारे वेस्टिजियर पार्ट यानी कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अपेंडिसाइटिस, यानी कि हम जब हमें अपेंडिसाइटिस होता है तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेज होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन जो जो हमें मतलब बाद में एक सीवियर और क्रोनिक डिजीज कॉज करती है। सबसे पहले क्या होगा जो मतलब ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि ड्यू टू कॉज मतलब इसमें मेन कॉज हो सकता है फॉरेन बॉडीज की एंट्री। फॉरेन बॉडी की एंट्री होने के बाद मतलब जो हमारा अपेंडिक्स का ल्यूमन है वहाँ पर फॉरेन बॉडी एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होने के बाद जो फॉरेन बॉडी के अपेंडिक्स ल्यूमन में एक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पर ऑब्सक्शन हो जाएगी। ऑब्सक्शन होने की वजह से वहाँ पर जो ल्यूमन के अंदर का जो म्यूकस सिक्रीशन का ड्रेनेज है वो भी पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा। जो म्यूकस सिक्रीशन का ड्रेनेज डिक्रीज हो रहा है तो म्यूकस जो बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपेंडिक्स के ल्यूमन में म्यूकस की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस डिपॉजिट हो जाएगा। म्यूकस के डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर इंट्रालुमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ल्यूमन के अंदर लगा हुआ प्रेशर वो क्या होगा, पूरी तरह इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर ना प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में ना पहुँचने के कारण वहाँ पर ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड की सर्कुलेशन भी पूरी तरह डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के बाद वहाँ पर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई भी वहाँ अपेंडिक्स के ल्यूमन में डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर इंफ्लामेशन हो जाएगी। इंफ्लामेशन एक्सेसिव इंफ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पर जो हमारी डिजीज कॉज होगी वो है अपेंडिसाइटिस।